हाई एवरी वन, वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगर आप नॉर्वे आने का सोच रहे हैं, देन आई एम श्योर कि यहाँ आने से पहले इस कंट्री के बारे में आप जानना चाहेंगे। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि एज ए इंडियन नॉर्वे में क्या सब चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगी और क्या चीज़ें हैं जो थोड़ी कम अच्छी लगी। बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि चाहे हम कहीं पर भी रहे, अच्छे बुरे सबको साथ में लेकर ही रहना पड़ता है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे नॉर्वे में रहते काफ़ी टाइम हो गया है और नॉर्वे रहने के लिए बहुत ही परफेक्ट एंड आइडियल जगह है। साथ ही साथ कुछ डिफ़िकल्टीज भी है जो आप फेस करोगे इफ़ यू डिसाइड टू मूव हियर। सो पहले हम बात करते हैं गुड थिंग्स अबाउट नॉर्वे एंड देन हम बात करेंगे डिफ़िकल्टीज के बारे में। फर्स्ट थिंग जो मुझे लगता है, नॉर्वे का इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग एंड स्टेबल है। यहाँ हमारी तरह अमीर बहुत ही अमीर और गरीब बहुत ही गरीब वो नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और इसका एक मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे सब कोई सही से टैक्स पे करता है। और अगर सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हाई लेवल एंड लो लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, देयर विल बी अ डिफरेंस बट नॉट मच। सो इसीलिए यहाँ पे मोर देन 50% पीपल आर अमीर आप से बोल सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत हाई है। यहाँ के लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। जैसे हमारे देश में होता है ना कि किसके घर में क्या हो रहा है, ताका झाकी करना एंड दूसरों के काम में टांग अड़ाना, वो चीज़ आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे तो लोग एक दूसरे को स्टेयर तक नहीं करते हैं। यहाँ के लोग थोड़े से रिजर्व काइंड ऑफ होते हैं, तो सामने से बात नहीं करेंगे, बट अगर आप उनसे बात करोगे दे विल टॉक नाइसली, हेल्पफुल भी हैं। तो उनको घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इवेंचुअली विल फाइंड दैट दे आर वेरी नाइस पीपल। तो एफर्ट आपको ही ज़्यादा करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ ओपन कल्चर है, कोई भी नैरो माइंडेड नहीं है। सो आप कहाँ से आ रहे हो, कौन से कंट्री से आ रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या काम करते हो, कौन सा रिलीजन बिलोंग करते हो, इससे इनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को जज नहीं करते हैं। सो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सब बातों से आप फ्री हो जाओ। हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में नॉर्वे आई गेस 5th और 6th पोजीशन में आता है, क्योंकि यहाँ के लोग जल्दी ऑफिस जाते हैं और 9 आवर्स कंप्लीट करके जल्दी घर वापस आ जाते हैं 4-5 बजे तक, एंड देन उनके पास अपने लिए भी और अपने फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, एंड दैट इज़ वे यहाँ के लोग बहुत ही खुश रहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल लिविंग हियर इज़ इनक्रेडिबली हाई, 83 ईयर्स। और इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि यहाँ के गवर्नमेंट यहाँ के एनवायरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत है। यहाँ पे एयर पॉल्यूशन एकदम नहीं है, फिर यहाँ पे गार्डनिंग पार्क्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, एंड तो यहाँ पे लोग एक्टिव भी रहते हैं। ऑल्सो नॉर्वे का जो पानी है दैट इज़ क्लीनिएस्ट ड्रिंकिंग वाटर इन द वर्ल्ड, तो अगर आपको प्यास लगे तो आप टैप वाटर भी पी सकते हैं। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है, कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे 5 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाता है, बस, ट्रम, ट्रेन, मेट्रो एंड फेरीज। हर 5-10 मिनट में आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटी है, साइकिल है जो आप रेंट कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे आपको प्राइवेट टैक्सीज भी मिल जाती है। सो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। नॉर्वे का वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैव मोर पावर। सो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपका एम्प्लॉयर कभी भी आपको जॉब से नहीं निकाल सकता विदाउट एनी वैलिड रीज़न। एंड यहाँ पे भेदभाव, पार्शियलिटी, यू नो, फेवरिज्म, ये सब नहीं चलता है। और अगर आप यहाँ पे ओवर टाइम करते हैं तो उसका भी पैसा आपको यहाँ पे मिलता है फ्री में, यहाँ पे कोई किसी से काम नहीं कराता है। नॉर्वे में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते हैं। तो हर एक जॉब फील्ड में आपको यहाँ पे लड़की दिखेगी, और इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ मिलकर यहाँ पे घर के काम करते हैं। यहाँ का नेचर बहुत ही यूनिक एंड खूबसूरत है, मतलब आई डोंट इवन हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ ब्यूटी इट हैव, बट आपने बहुत सारे मूवीज़ में देखा ही होगा कि नॉर्वे कितना खूबसूरत है। इनफैक्ट हर एक सीज़न में ये बहुत अलग और खूबसूरत लगता है, चाहे वो समर हो, स्प्रिंग हो, ऑटम हो या फिर विंटर हो। अगर आप नेचर लवर है देन नॉर्वे शुड बी इन योर बकेट लिस्ट। नॉर्वे इज़ अ वेरी सेफ कंट्री टू लीव, यहाँ पे चोरी चकारी मारपीट नहीं होता है। बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे हमें डर लगता है ना कि हमारा सामान खो जाएगा, चोरी हो जाएगा, वो डर यहाँ नहीं है। यहाँ पे आपका सामान अगर आप कहीं पे भूल जाते हो या गिरा देते हो तो लोग इतने अच्छे हैं ना कि वो जाकर पुलिस के पास सबमिट कर देते हैं, देन आपको आपका सामान मिल जाता है, सिर्फ आपको पुलिस कंप्लेन करनी पड़ती है।
तो ये हमारे साथ हो चुका है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। रोड क्रॉसिंग भी बहुत सही है, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट है एंड लोग फॉलो भी करते हैं। अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग से जा रहे हो और सामने से गाड़ी आ रही है, उनका सिग्नल अगर ग्रीन भी है फिर भी वो जितने भी स्पीड में आ रहे हैं वो रुक जाएंगे एंड प्रेफर आपको करेंगे कि आप पहले रोड क्रॉस कर लो एंड देन फिर वो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे रोड क्रॉसिंग के लिए भी बटन्स रहते हैं जिसको प्रेस करके आप सिग्नल को ग्रीन कर सकते हैं। अब बात करते हैं चाइल्ड सेफ्टी के बारे में। तो अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो हमसे कि चाइल्ड के मामले में कैसा है ये कंट्री आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो वो मूवी है ना वो सत्य घटना पे ही आधारित है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो जो स्टोरी है या फिर वो जो कहानी है वो बहुत सालों पहले हुई थी, ठीक है। तो तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस नहीं रहते थे तो लोग हमारे कल्चर के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आज के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस रहते हैं एंड यहाँ के लोग हमारे कल्चर के बारे में भी जानते हैं एंड बहुत सारे कल्चर में तो वो शामिल भी होते हैं हमारे साथ। तो अभी वैसा टाइम नहीं रहा, चीज़ें चेंज हो चुकी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको भी ध्यान रखना है, जब भी आप कोई नए कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं लिविंग के लिए, तो वो सारी चीज़ों को भी आपको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे आप अपने बच्चे को मारना पीटना या फिर डांटना ये सब नहीं कर सकते हो, ठीक है। उनको बहुत प्यार से आपको हैंडल करना पड़ता है। बचपन से ही ये लोग बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाते हैं ताकि वो अपना काम खुद कर पाए एंड दैट इज़ वाई वो जो फ्रीडम है वो आपको अपने बच्चे को भी देना पड़ता है। तो ये तो चलो, आप कोई भी कंट्री में जाओ वहाँ के हिसाब से आपको रहना तो पड़ता ही है ना, आप हर जगह अपना नहीं चला सकते हो, बट ये अच्छी चीज़ें भी हैं। आज के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं जिनके यहाँ पे बच्चे हुए हैं, बड़े हुए हैं एंड देन उनके भी शादी हुई है यहाँ पे, तो सब लोग ये सारी चीजें फेस नहीं करते हैं। ये तो थी गुड थिंग्स अबाउट नॉर्वे। नाउ अब बात करते हैं डिफिकल्टीज के बारे में। नॉर्वे में रहना आपको पड़ेगा महंगा। जी हाँ, नॉर्वे का कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। रहना, खाना पीना, घूमना सब कुछ बहुत ही महंगा है। टॉप 10 एक्सपेंसिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड में नॉर्वे आता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। अगर आप इंडिया में 1 लीटर मिल्क लेने जाएंगे तो उसका प्राइस आपको पड़ेगा 64 to 72 rupees। वही सेम मिल्क अगर आप यहाँ पे लेने जाएंगे तो आपको पड़ेगा 194 rupees का। तो आप डिफरेंस समझ ही पा रहे हो। और यहाँ पे आपका बजटिंग आपको खुद को ही मॉनिटरिंग करना पड़ता है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरा ये वीडियो चेक कर सकते हैं, आई बटन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कंट्री का इकोनॉमी बहुत ही स्टेबल है, तो अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, यहाँ के करेंसी से कमा रहे हो, तो यू कैन लीव अ वेरी गुड लाइफ हियर। यहाँ इंडियंस को या फिर साउथ एशियंस को ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है सनलाइट को लेकर। आपने सुना ही होगा नॉर्वे जाना जाता है 6 months नाइट एंड डे के लिए एंड दैट इज़ ट्रू, बट ये होता है नॉर्दर्न नॉर्वे में। बाकी सारी जगह पे समर के टाइम पे दिन काफ़ी लंबा होता है तो विंटर के टाइम पे रातें। अभी समर में दिन काफ़ी लंबा होता है इसीलिए हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, सनलाइट हमें ज़्यादा मिलता है, तो उस टाइम पे यहाँ के लोग ज़्यादातर घूम के फिर के एंड इन्जॉय करके बिताते हैं। बट विंटर में चीज़ें बदल जाती है। विंटर में आपको सनलाइट ना के बराबर मिलता है, 2-3 घंटे का ही दिन रहता है विदाउट सनलाइट एंड डार्कनेस ज़्यादा रहती है। एंड बीइंग एन एशियन हमें आदत है सनलाइट की, तो हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है एंड डिप्रेसिंग सा फील होता है। नॉर्वे का वेदर बहुत ही एक्सट्रीम एंड अनस्टेबल है। विंटर भले ही देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है बट वेदर बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है। यहाँ पे कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, मतलब एक पल में धूप है तो दूसरे ही पल में बारिश हो जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा अनोइंग है। एंड कभी भी गर्मी बढ़ जाती है, कभी भी ठंड बढ़ जाती है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है यहाँ का वेदर। तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ के लोग सही से टैक्स पे करते हैं, तो वो तो थी पॉजिटिव साइड, बट इसका एक नेगेटिव साइड भी है कि यहाँ का जो टैक्सेस है दैट इज़ वेरी हाई। 40-50% आपको टैक्स पे करना पड़ता है डिपेंड। यहाँ का लैंग्वेज बैरियर बहुत ही हाई है, इंग्लिश बहुत ही कम यूज़ करते हैं, एकदम ना के बराबर। इनका ऑफिशियल लैंग्वेज है नॉर्वेजियन, तो लोग प्रेफर करते हैं नॉर्वेजियन पे ही बात करने का। अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो आपको इंग्लिश में रिप्लाई ज़रूर मिलेगा बिकॉज यहाँ पे सबको इंग्लिश आती है, लेकिन दे प्रेफर देयर ओन लैंग्वेज विच इज़ नॉर्वेजियन। सो अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो पहले तो बहुत सारे फील्ड में नॉर्वेजियन आना मैंडेटरी था, बट अभी आई गेस सब फील्ड में ही आपको नॉर्वेजियन आना मैंडेटरी हो गया है। तो अगर आपको यहाँ पे जॉब करना है यू हैव टू लर्न देयर लैंग्वेज।
सो नॉर्वे में ना ही अमेजोन है, ना ही फ्लिपकार्ट है, ना ही मिंत्रा जैसे साइट्स है जहाँ से आप शॉपिंग कर पाओ. लाइक यहाँ पे ब्रांडेड वेबसाइट से आप शॉपिंग कर सकते हो, ब्रांड के खुद के वेबसाइट जो होते हैं वहाँ से. लेकिन एक ऐसा कमर्शियल प्लेटफॉर्म होता है ना जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स एक जगह पे आते हैं और आप वहाँ से ख़रीदते हो, जैसे हमारे वहाँ पे अमेजोन है, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है. तो यहाँ पे आपको कोई भी कमर्शियल साइट्स नहीं मिलेंगी जहाँ से आप शॉपिंग कर पाओ. तो यस, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ब्रांडेड मिलेंगी. तो जैसे मैंने बताया, लिविंग स्टैंडर्ड इज़ वेरी हाई हियर. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. होप आज के वीडियो से आपको नॉर्वे के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी. अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए, देन ड्रॉप अ कमेंट बिलो. वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. अगर अभी तक नहीं किया है तो दूसरों से भी सब्सक्राइब कराइएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय गाइज़.